हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाला है उसका नाम है टॉप फैक्ट्स अबाउट द जयपुर राजस्थान। और आपको पता है कि राजस्थान इंडिया का एक स्टेट है और जयपुर उसका कैपिटल है, सिटी है। तो आज हम जयपुर सिटी के बारे में रिएक्शन देंगे और कुछ देखेंगे रिव्यू और कुछ फैक्ट्स इस वीडियो में, तो वो फैक्ट्स देखेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो गाइस, वेलकम टू देवदूत यूट्यूब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज बात करने वाला हूँ जयपुर सिटी के बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑन यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस एनी अपडेट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जयपुर राजस्थान का लार्जेस्ट सिटी एंड कैपिटल है। आज जयपुर सिटी का कुछ ऐसी फैक्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे जो शायद आपको ना मालूम हो। हम सब जानते ही है जयपुर को इंडिया का पिंक सिटी कहा जाता है, क्योंकि इस सिटी के ज्यादातर घर की कलर पिंक है। लेकिन जयपुर को पिंक सिटी ऐसे ही नहीं कहा जाता, ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं ये गुलाबी रंग अतिथियों से जुड़ा हुआ है। थैंक्स टू महाराजा राम सिंह, जिनके राज में 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स जब जयपुर विजिट किया था तब पूरा सिटी को इंक्लूडिंग फोर्ट, शॉप एंड अदर कंस्ट्रक्शन सभी को गुलाबी रंग से पेंट किया गया था उनकी स्वागत के लिए। तब से जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। दोस्तों, अभी तो इंडिया में प्लानिंग सिटी स्मार्ट सिटी बन रहा है, पर क्या आपको पता है इंडिया की सबसे पहला प्लानिंग सिटी कौन सा है? आंसर है जयपुर। इंडिया का सबसे पहला वेल प्लानिंग एंड डिजाइनिंग सिटी है जयपुर। जयपुर सिटी को प्लानिंग से बनाया गया है इंडिया के वास्तुशास्त्र को मानकर। 1726 में जयपुर शहर को बसाया गया और पूरी शहर को प्लानिंग एंड डिजाइनिंग की थी एक बंगाली आर्किटेक्चर विद्याधर भट्टाचार्य ने। 4 सालों के अंदर ही पूरा शहर बनाया गया था। अगर राजस्थान एंड जयपुर की कल्चर को आप देखें तो यहाँ पर ब्राइट रेड कलर ये कपड़े अक्सर पाकिस्तान में तर्क के साइड में पहने जाते हैं। लॉन्ग स्कर्ट एंड ब्लाउज, जहाँ लोकल लैंग्वेज में घाघरा चोली कहते हैं, ये ड्रेस लड़कियाँ ज्यादातर पहनते हैं। एंड यहाँ के लड़के आइकोनिक धोती एंड कुर्ता एंड सर पे कलरफुल पगड़ी पहनते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जयपुर के सभी लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं। समय बहुत बदल चुका है और समय के साथ साथ जयपुर सिटी भी मॉडर्न होता गया। जयपुर ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ पैलेसेस। इंडिया के किसी भी शहर में इतनी सारी पैलेसेस नहीं दिखी जाती है जितनी जयपुर शहर में आपको देखने को मिलेगा। जयपुर इंडिया का 10th मोस्ट पॉपुलर सिटी है। 2011 की जनगणना की अकॉर्डिंग जयपुर में पॉपुलेशन है 66 लाख। 2008 में जयपुर ने 31 रैंक किया है ग्लोबल आउटसोर्सिंग सिटीज इन द वर्ल्ड में। दोस्तों, ट्रैवल रीडर्स चॉइस सर्वे के अकॉर्डिंग जयपुर में 7th रैंक किया है बेस्ट सिटी टू विजिट इन एशिया में। और दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है जयपुर के राज पैलेस होटल में प्रेसिडेंशियल सूट में वन नाइट के कितने पैसे चार्ज करता है? 45,000 पर नाइट। और ये वर्ल्ड के 15 मोस्ट एक्सपेंसिव सूट में से एक है। जयपुर के ट्रांसपोर्टेशन को स्मूथ करने के लिए मेट्रो सिस्टम भी बनाया गया है। 3 जून 2015 में जयपुर मेट्रो स्टार्ट हुआ है। राजस्थान एंड जयपुर में हर जगह ही आपको रीच जिसमें इंक्लूड है कथक और घूमर डांस। जयपुर के रहने वाले लोगों को राजपूत कहा जाता है, जो खास है अपनी राजकीय अंदाज के लिए। द फिल्म पद्मावत तो हम सब ने देखी है, वहाँ पर आपको पता तो चल ही गया कि राजपूत कितना वीर होते थे। सर कट जाए फिर भी तलवार चलती रहे। इसके अलावा हिस्ट्री में भी आपको राजपूतों के बारे में काफी सारी वीर कहानी मिल जाएगी। जयपुर के लोग बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। जब भी आप जयपुर विजिट करेंगे वार्म वेलकम हमेशा ही आपको मिलेगा। जयपुर में काफी सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे कि जंतर मंतर, सिटी पैलेस, हवा महल, जयगर फोर्ट, जल महल, कनक वृंदावन, गोविंद देव जी टेम्पल, श्री काली टेम्पल, ये सब मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है जयपुर सिटी का। चलिए अब जान लेते हैं जयपुर का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी कितना है। जयपुर का सालाना जीडीपी है 24 बिलियन। जयपुर की लैंग्वेज की बात करूँ तो यहाँ के लोकल लैंग्वेज मारवाड़ी, पर हिंदी एंड इंग्लिश बात करते हैं। जयपुर में फॉरेनर ट्रैवलर ज्यादातर दिखी जाती है और यहाँ से ही बहुत ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को मिलती है। दोस्तों, अगर आप लोगों के पास भी ट्रैवल के रिलेटेड कोई भी न्यूज हो या फिर कोई भी बिग प्रोजेक्ट की खबर हो तो आप मुझे फेसबुक पे टेक्स्ट करें या फिर कमेंट में बताएं। मैं 100% कोशिश करूंगा उसके ऊपर डिटेल्स वीडियो बनाने की। अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन हो कमेंट में बताओ, मैं उसके ऊपर ऑन डिमांड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, वीडियो को हर जगह शेयर करें
और आपकी थॉट्स मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। आप लोगों के हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ। एंड सबसे जरूरी बात, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप सब्सक्राइब कर देना इनको भी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद। हाँ भाई, यहाँ तो ये थी वीडियो जयपुर के हवाले से। जयपुर राजस्थान में है और राजस्थान इंडिया में है और इंडिया का ये एक स्टेट है राजस्थान। और इसके हवाले से एक वीडियो रिक्वेस्ट की थी, तो उसमें मैंने रिक्वेस्ट उनकी पूरी की। स्टार्ट में जब बोला कि पिंक सिटी कहा जाता है, तो मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि पिंक सिटी क्यों कहा जाता है। फिर उसके आगे बताया कि जब महाराजा राम सिंह 1876 में आए थे, उस वक्त में जितने भी घर थे, शॉप्स थे, जितने भी जगह थे, उसको पिंक कलर कर दिया गया, तो उसकी वजह से इस को पिंक सिटी कहा जाता है। और अब भी बहुत सारे घरों के कलर जो है वो पिंक है। और वहाँ के हवाले से मैं बात करूँ तो वहाँ के मैंने देखे सफाई के हवाले से भी, सफाई हर जगह पर सफाई हो गई थी और रिच कल्चर दिखाई दिया। और ट्रांसपोर्ट के लिहाज से कि मैं बात करूं तो ट्रांसपोर्ट के हवाले से इन्होंने यही बताया कि मेट्रो सिस्टम और रोड्स भी अच्छे बने हुए थे, काफ़ी अच्छे रोड्स थे, साफ़ सुथरे और प्लेन रोड्स थे। और ट्रेन का नहीं बताया गया, मेट्रो सिस्टम के बारे में बताया गया। तो मेट्रो सिस्टम वहाँ पे है, मतलब वो मॉडर्न सिटी है। जिस तरह उन्होंने बताया कि 4 साल के अंदर इस सिटी को बनाया गया है, इस सिटी को प्लानिंग के साथ बनाया गया था। और यहाँ के ड्रेसेस यानी कपड़ों के बारे में मैं बात करूँ तो यहाँ पर उन्होंने एक घाघरा चोली की बात की। और घाघरा चोली जो इस तरह घाघरा चोली पाकिस्तान के अंदर तर है, तर एक इलाका है, वहाँ पे भी यही ड्रेसेस पहनी जाती है, क्योंकि वो भी रेगिस्तान है। और राजस्थान के बात करूँ तो राजस्थान का भी जो पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है वहाँ पे राजस्थान में, तो वहाँ पे भी रेगिस्तान है। यहाँ की लैंग्वेज की बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि इंग्लिश, हिंदी और यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो मारवाड़ी है। और यहाँ की पॉपुलेशन की बात करूँ तो यहाँ के 66 लाख पॉपुलेशन है। और इसमें राज पैलेस होटल की बात की, इसकी वन नाइट की जो पैसे है वो 45,000 यानी 45,000 सिर्फ एक रात के पैसे है यहाँ के। और यहाँ के लोगों की बात करूँ तो यहाँ पे ज़्यादातर राजपूत रहते हैं। राजपूत जैसे आपने पद्मावत फिल्म तो देखी होगी, बॉलीवुड की मूवी थी, तो उसमें राजपूतों की कितनी गैरत की बात की थी कि वो अगर जिसम से सर अलग भी हो जाए, धड़ अलग भी हो जाए, तब भी उनकी तलवार चलती है। और यहाँ पे टूरिस्ट के हवाले से जगह की बताई तो वो जंतर मंतर, काली टेंपल और हवा महल के बात की, तो काफ़ी अच्छी जगहें हैं, ये घूम सकते हैं। और जिस तरह मैंने बताया कि इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है ये, और ये सिटी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा पैसा देने वाली सिटी है। तो ये तो कुछ फैक्ट्स है इस राजस्थान जयपुर के हवाले से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर किसी वीडियो पे रिएक्शन देखने चाहते हैं तो उसका नाम और लिंक भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते के लिए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।